जय हिंद दोस्तों, किक इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग के बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा दोस्तों, उसमें हमने फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर पावर वायरिंग के बारे में बताया था। उसी से रिलेटेड हम अभी कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल वायरिंग दोस्तों, पावर वायरिंग जो हमारा डायग्राम था उसमें आप देखे होंगे कि पावर दोनों तरफ से एक ही ओवरलोड रिले में कनेक्ट हुआ है, जबकि ओवरलोड रिले से सिर्फ थ्री फेज सप्लाई मोटर में कनेक्ट हुआ है। दोस्तों, पावर वायरिंग आपको देख करके ऐसा लगेगा कि दोनों तरफ से एक साथ पावर सप्लाई आएगा और यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा ओवरलोड रिले के पास, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि फॉरवर्ड से रिवर्स में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस होती है वो टोटली कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग होती है, जिसकी मदद से हम उसे प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर पाते हैं और सेफली मोटर को रन करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ड्राइंग के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाएंगे भी और उसे इंडिकेट करके भी दिखाएंगे, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसान होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिए गए हुए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और उसमें एक एनसी यूज़ करेंगे, जो सबसे पहले हमारा इमरजेंसी का एनसी पॉइंट होगा, इमरजेंसी पुश बटन का एनसी पॉइंट होगा। दूसरा जो हम एनसी यूज़ करेंगे वो होगा ओवरलोड रिले का, जो कि हम सबसे पहले ओवरलोड रिले का एनसी यूज़ करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों, हम इसे इंडिकेट करते जाएंगे, जिससे कि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। इसके बाद दोस्तों, हम एक और एनसी यूज़ करेंगे, जो होगा स्टॉप पुश बटन का। अभी इसके बाद दोस्तों, हम यूज़ करेंगे स्टार्ट पुश बटन का, जो कि हमारा इस ड्राइंग में जिस कंडक्टर से हम मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं, उस कंडक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें स्टार्ट पुश बटन का NO एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर दूसरे स्टेप में यूज़ करेंगे एक सेलेक्टर स्विच को, जिसकी मदद से हम रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कंडीशन में मोटर को चला सकेंगे। तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड मोटर को चलाने के लिए सेलेक्टर स्विच का एनसी पॉइंट यूज करेंगे और रिवर्स मोटर चलाने के लिए सेलेक्टर स्विच का NO पॉइंट यूज करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ड्राइंग में हम सिंगल स्टार्ट पुश बटन से फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंडीशन में मोटर को चलाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, आपने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा होगा कि स्टार्ट फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन अलग होता है और रिवर्स स्टार्ट पुश बटन अलग होता है, लेकिन हम इस ड्राइंग में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों स्टार्ट बटन एक ही स्टार्ट पुश बटन से लेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर सेलेक्टर स्विच यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों, मैं एक बात आपको फिर से क्लियर कर दूँ कि सेलेक्टर स्विच यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है, क्योंकि यदि सेलेक्टर स्विच एनसी पोजीशन के तरफ पॉइंट करेगा तो हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉरवर्ड स्टार्टर कंडक्टर स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड पोजिशन में मोटर रन करेगा, और जैसे ही हमारा सेलेक्टर स्विच NO पोजीशन पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा और हम फिर स्टार्ट पुश बटन को स्टार्ट करेंगे, तो हमारा NO पॉइंट से हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा और मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि NC पॉइंट से हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, तो हम उसे इंटरलॉक करेंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर के साथ, ताकि हमारा जब रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट ना हो। इसके लिए हमें फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के बीच में रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट यूज करना होगा, जिससे कि हमारा जब फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट ना हो। इसके बाद दोस्तों, हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का कॉइल बनाएंगे, जिसमें A1 और A2 पॉइंट्स दो होते हैं। तो A1 पॉइंट्स में हमारा पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट होता है और A2 पॉइंट में निगेटिव सप्लाई।
अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर साइड में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज़ किया है, जबकि कहीं भी 0 वोल्ट सप्लाई यूज़ नहीं किया है। तो हम यहाँ पर नीचे साइड में 0 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज़ करेंगे और उसे A2 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, और इस तरह से दोस्तों हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी। अब दोस्तों इस कंडीशन में जितना देर तक हम स्टार्ट पुश बटन को दबा के रखेंगे उतना देर तक हमारा मोटर स्टार्ट रहेगा फॉरवर्ड कंडीशन में, लेकिन जब हम इसको स्टॉप पुश बटन के NC पॉइंट से एक सप्लाई उठा करके और मेन कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट से सप्लाई ले करके और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में कनेक्ट कर देने से हमारा मोटर कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। तो हम एक बार ही फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर स्टार्ट रहेगा। इसे मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ। अब दोस्तों सेम प्रोसेस के साथ हमें इसी मोटर को रिवर्स कंडीशन में स्टार्ट करनी है, तो हमारा स्टार्ट पुश बटन वही रहेगा बट जो हम यहाँ पे सेलेक्टर स्विच यूज कर किए थे उसका NO पॉइंट से एक सप्लाई उठाएंगे और फॉरवर्ड कंडक्टर के NC पॉइंट से सप्लाई को लेकर K2 पॉइंट में कनेक्ट करेंगे और उसे 0 वोल्ट दे करके सप्लाई को कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक प्रोसेस रह जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बीच में यहाँ पर फॉरवर्ड कंडक्टर K1 का NC पॉइंट यूज किया है। यहाँ पे ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर स्टार्ट रहेगा तो रिवर्स कॉन्टैक्टर में सप्लाई किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती है। इसके लिए हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के साथ रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC यूज किया है और रिवर्स कॉन्टैक्टर में फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का NC यूज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने A1 और A2 पॉइंट में सप्लाई दे करके रिवर्स कॉन्टैक्टर को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन दोस्तों हमें इसे होल्डिंग कराने के लिए हमें सेम जैसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में K1 में हमने जैसा लूप लगाया है वैसे ही सेम इसी तरह से इस कॉन्टैक्टर में भी एक लूप लगाना होगा। तो हम स्टॉप पुश बटन से एक सप्लाई को लेंगे और कॉन्टैक्टर K2 के NO पॉइंट से उस सप्लाई को उठा करके और कॉन्टैक्टर K2 यानी कि रिवर्स कॉन्टैक्टर के कॉइल A1 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और आप इसे किसी भी 3-फेज मोटर को चलाने के लिए रिवर्स फॉरवर्ड कंडीशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये कंडीशन स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होता है क्योंकि उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग होती है, या सिंगल फेस में भी इसकी कंडीशंस अलग होती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में लगभग सारी प्रोसेस समझ में आ गई होंगी। यदि इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।